हैं तो विलाज से फोटो भेजें अपना है। विसन भैया मुच्छी उच्छी उगा लिए हैं, पूरा अंग्रेज हो गए कपड़ा पड़ा पहन के। और लिखा था कि पढ़ाई खत्म हो गई है। अरे भैया पढ़ाई खत्म हो गई है तो वापस आ जाओ, वहाँ क्या करत हो। और लिखा था कि आज हमार जन्मदिन है, तो जाना था कि तुम्हारा जन्मदिन हमारा जन्मदिन है आज। और लिखा था कि हम ना ही आ सकत। अरे का है भैया, का है ना, कौन कौन है भाई? बिशन का है, बिशन बिशन यहाँ नहीं रहते। बिशन कहाँ रहता है? बोल नहीं बिशन यहाँ नहीं रहते, यहाँ तो किशन रहते। जहाँ बिशन रहते वहाँ तो किशन जा नहीं सकते। लेकिन ये का है? ये पिस्तौल है, पिस्तौल। पिस्तौल ही तो देखा था कि पिस्तौल है, लेकिन का है? तुम अगर बिशन को पकड़वा दो हम तुम्हें 1,00,000 रुपए इनाम देंगे। अरे 1,00,000 रुपया गवाह भाड़ में, हम तो बिशन के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन तुम कौन हो? तुम दोस्त खूनी है, देखो डाकू है, चोर है। ये हमारे दोस्त के बारे में ऐसे मत बोलियो, खूनी है। देखो हम मार देंगे, हम बोले देते हैं तुमसे। हाँ जो दाढ़ी है तुम्हारा ओका उखाड़ ले, हम दाढ़ी उखाड़ ले, उखाड़ गई। मिशन मिशन तुम लोग नाटक हो गया क्या? सब दाढ़ी निकल गई है। ये कौन है भाई? ये जॉनी है, मेरे ड्राइवर। अपन सबके ड्राइवर है। अच्छा। वो सामान लेकर आए। ले आओ, ले आओ, ले आओ, यहाँ ले आओ। ए बिशन, हम कहा करी, कौन समझ में नहीं आ, तुम एकदम से आएगा, हम क्या समझ में। तू एक काम कर। हाँ। तू वही कर जो हर जन्मदिन पे करता है। का? अपने हाथों से खाना खिला दे मुझे। जा वो लावो पिया नदिया से सोन मछरी, पिया सोन मछरी, पिया सोन मछरी, जावो लावो पिया। अबे इडियट क्या कर रहा है, ये फोटो यहाँ क्यों लाया तू? ये मेम साहब दिया बोला इधर लगाने के वास्ते। इसे फौरन अंदर रख। साहब एक बात बोलेगा, आज तुम्हारा दोस्त बहुत मूड में दिखता है, उसको बोलना तुम्हारा शादी हो गया, तुम्हारे एक बच्चापन है। पागल हो गया क्या? अगर मैंने उसे बता दिया कि चुपचाप जाके लंदन में शादी कर दी और मेरा बच्चा भी है, तो मेरा थोपड़ा फोड़ देगा जूता मार के। रख इसे अंदर। तो उसको कोई दिन तो मालूम पड़ेगा ना। मैं पहले उसे बॉम्बे ले जाकर आराम से बिठा के समझाऊंगा, समझे? ये है कि नहीं? अच्छा हाँ भैया, तुम का ठुसुर ठुसुर करा था, बहुत अच्छा बात है। हाँ अच्छा लगता है, चल बैठ तू। हाँ ले लो ले लो, खा लो, तो खा लो, ले लो। बरसों की भूख मिटा दी तूने यार। अरे जा वो लावो पिया नदिया से। मैं सामान कैमरा निकालता हूँ, तू इसे बात में लगा। जा वो तो पिया सोना मछरी, जा वो लावो पिया नदिया। मजा आ गया सर। खाया खूब? तो मैं ऐसा दर गर्म दिन को रोटी बना के हमारा सबको खिलाता है? अरे हमारा बस चले ना भैया, तो हम तो रोज ऐसा रोटी बना करके एक टोकरी में सजा करके बिशन को बिलाज तक देने चले जाएं। लेकिन सुना बिलाज बहुत दूर है, कोनो बस भी तो नहीं जाती ना हुआ। हाँ। तुम रोटी अच्छा बनाते है सब। अरे ऐसे ऐसे थोड़ी ना बनता है। देखो भैया, दोस्ती का थोड़ा आटा लेते हैं, उसमें प्यार का पानी मिलाते हैं, फिर गूंथते हैं, फिर दिल के चूल्हे पे रख के उसको पकाते हैं, तब जा करके ऐसा रोटी बनता है। कोई मजाक है क्या? अभी तो अपना साहब तुमको 24 कलाक याद करता है। अरे 24 कलाक? तुम झूठ बोलते हो, ये 24 कलाक क्या होता है? हम तो बचपन से लेकर के जवानी तक एक दूसरे की याद में बूढ़े हो गए, तुम 24 कलाक बोलते हो, ये झूठ बोलते हो तुम। सॉरी 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 क्या होता है ये? अपन का मुंह से निकल गया। निकल गया। अपन को तुम्हारा दोस्ती का मुकाबला थोड़ी करता है। मुकाबला कौन? पतंगबाजी का मुकाबला? पतंगबाजी से हमको याद आया, एक दिन भैया गाँव में पतंगबाजी का मुकाबला होगा। क्या होगा मुकाबला? हाँ बीच में मत बोलो। तो मुकाबला होगा तो आस पास के गाँव से बड़े बड़े तुर्रम खान आए। कौन आए? तुर्रम खान है। फिर देखो बीच में बोल रहे हो तुम। हाँ तो तुर्रम खान है, तो कहने लगे कहाँ है वो बिशन का दोस्त किशन, बोला साले को। तो बिशन का नाम सुनते ही हमारे बदन में आग लग गई। कहाँ लग गई? अभी हम नहीं बोलेगा। अरे कहाँ बोलेगा भाई? अरे बोलते बोलते तुम्हारे अंदर आग लग गई। हमारे बदन में आग। देखो फिर बीच में बोल दियो तुम आए। हाँ तो आग लग गई, तो हम कहा किए, ये बड़ा पतंग बनाया, उसके ऊपर बिशन का नाम लिख दिए, और लिख के जो हम उड़ाया है, और फिर जो अपेचा है, जो हम अपेचा है, तो सद्दी हाथ में आ गई मैदान साहब। ऐसा लगा कि आकाश में कोई झाड़ू फेर दिए है, बस एक पतंग रही हवा हमार बिशन। कभी ऐसा जाए तो कभी ऐसा बिशन। इका है, इका। मन की तरह इस कैमरे में भी तेरी तस्वीर बंद करना चाहता हूँ मैं। हाँ बीच में मत बोलो। लेकिन मैं जानता हूँ बचपन से तेरा पतंगबाजी का शौक अभी तक पूरा नहीं हुआ। हाँ। इसलिए मैं तेरे लिए विलायत से एक पतंग लाया। ए भाई ये है क्या? यही तो है वो विलायती पतंग। नहीं विलायती पता तो ठीक है, लेकिन ये है क्या? अरे ठहर जा अभी बताता हूँ तुझे। हाँ किशन झुक जा। हाँ
अरे झुक, अरे काय झुक, अरे झुक, भागता चला जाता है, खाई में गिर जाएगा। अरे खाई में गिर गया, अरे गिर गया, अरे कहाँ गया? ओ पिसान, ऊपर देखो ना। तो सच में चुड़ गया। ये देखा विलायती पतंग का कमाल, देख चला तू। अरे तू देख क्या रहा, चल तुझे सिखाता हूँ। नहीं नहीं, ये शैतानी चक्कर है। अरे कोई शैतानी चक्कर नहीं यार, तू चल। ये पिशन, मुझे हाथ मत लगाने दे। अरे पहले इसे तो उतार दे। अभी से उठा, उठा, पकड़ के रख। ये पहन ले, उठा लिया। हाँ अब चल जा। भीषण 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 कुछ नहीं, तू दोस्त है ना, जा। हाँ मैं दोस्त हूँ तेरा। हाँ संभाल, जा रहा हूँ। जा, मैं जा रहा हूँ। जा। अरे किशन, अरे उस तरफ नहीं। अरे ढूंढो उसको, किधर गया हो? कहा था तेज मत भागना। किशन, किशन तू कहाँ है? अरे हम हिया है, हिया है। चल चल, नीचे उतर, नीचे उतर। जॉनी, शट अप जॉनी। चल बेसन, चल अंदर, उठा 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 उठा। दोस्ती का नाम लेता दोस्त, दोस्त मैं थप्पड़ मारू मुंह के ऊपर तेरे, दोस्ती के लिए इतना नहीं कर सकता तू। चल अब जा। अरे चल ससुर के नाती, तेरी वजह से दोस्त की डांट पड़ी। चल, चल। अरे अरे सब किशन, किशन तू कहाँ है? अरे हम किशन, मजा आया कि नहीं? हाँ। अरे बाप रे बाप, ये विलायती पतंग है विलायती। हाँ। ओ किशन देख 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 देख, मैं मत चली जाता मटकी भर के। तू तो है ना किशन, फोड़ दे मटकिया इनकी। नीचे चली का, चला आवत है, आवत है। ससुर के नाती की स्कूल का काम करोगे कि नहीं? अबे मैं तुमसे पूछ रहा हूँ नालायक। किशन ये मास्टर जी है ना? बेवकूफ, पता नहीं आजकल के बच्चों को क्या हो गया है। बहुत मारता था ना स्कूल में? अरे बचपन में हमका बहुत मारे रहा ससुरा, अब आइन ठिकाने करी था। आ जाओ। और वो मास्टर जी अपनी खड़िया लेके और वो मटकी वाली। अरे पकड़ेगी तो बहुत मारेगी वो। किशन आज हमारा जन्मदिन है, कुछ मांगेगा नहीं हमसे? अरे मांगा तो था, सुबह सुबह उठ के भगवान जी से कहा कि बिसनवा का भेज दे, तो भेज दिए ना। बाउल का मांगे? अपने दोस्त को कोई तोहफा भी नहीं देगा? अरे हमारी जान हाजिर है, तू मांगना वादा। देख भैया, हमरे जाने की बात छोड़कर और कुछ भी मांग ले, अगर मुकर गया तो मरद का बच्चा ना ही। वादा? हाँ हाँ वादा। देख मैं अपने जाने की बात नहीं कर रहा, मैं तुझे अपने साथ शहर ले जाने की बात कर रहा हूँ। अरे नहीं बिशन, देख मैं शहर जाकर के मैं क्या करूंगा? मैं तो जाहिल गंवार आदमी हूं, किसी से दो बात भी नहीं कर सकता हूं। देख भैया,
हम इसी मिट्टी में जन्म लिए हैं, यही खत्म हो जाएंगे। तू ऐसी बात मत कर यार। देख, तेरा दोस्त भीषण विलायत गया, पढ़ लिख कर वापस आया। क्यों आया? तेरी जिंदगी बनाने के लिए। हम जानते हैं भीषण, लेकिन दोस्ती जौन है ना, बहुत पवित्र है। इसको दोस्ती ही रहते हैं। इसके ऊपर पेट, पैसा, रोटी, इसकी परछाई ना पड़े थे, नहीं तो लोग कहेंगे कि ये किशन, ये जाहिल किशन, ये भीषण के ऊपर बोझ बन गया। तू मुझ पर बोझ बन गया, किशन अपने दोस्त पर बोझ बन गया। किशन, मेरा दिल, मेरी आत्मा मुझ पर बोझ बन सकता है, लेकिन तू कभी नहीं बन सकता। किशन, तूने आज इतनी घिरी हुई, इतनी घटिया बात की मुझसे। जॉनी, सामान उठा। ए, भीषण, तू कहां जा रहा है? बात मत कर मुझसे, सामान उठा। अरे तू कहां सामान उठा रहा है? भीषण, तू कहां जा रहा है? ए भाई, चल भाई। ए भीषण, किशन, तूने आज मेरी दोस्ती के मुंह पर थप्पड़ मारा। भीषण, अरे हमारा ही मतलब ना ही रहा। तो विलायत जाके शादी कर लिया। अरे अरे भाई, देख ये सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि लेटे लेटे नहीं, खड़े होके आंख मिला के बात करा। चला, हो जा खड़ा, हो जा खड़ा, खड़ा हो जा। हमसे पूछे बगैर, हमसे इजाजत लिए बगैर शादी कर लियो। ऐसा है कि लेटे लेटे नहीं, खड़े होके बात करा, आंख मिला के बात करा। बात करते हैं, करते हैं। बोला, वो क्या है कि मैंने सोचा कि एक साथ ही तुझे खबर दूंगा, नहीं तो तू नाराज हो जाएगा। बच्चे की भी खबर देनी थी ना। हाँ, बच्चा है हाँ। करके आ गया। मैं बताता हूँ, मैं बता। शादी करके आ गया, ऊपर से किसने पैदा कर दिया? अरे मेरी बात तो सुन, मैं बता तो नहीं, और बच्चा पैदा कर दियो। ये आवाजें कैसी आ रही है? कुछ नहीं, वो मेरा बहुत पुराना दोस्त है ना, बहुत दिनों के बाद मिला है, इधर गले मिल रहे हैं। तुम जाओ, तुम जाओ। कुछ नहीं माँ जी, पुराने दोस्त है ना, आपस में गले मिल रहे हैं। हाँ हाँ, बोला बोला, मैं तुझे खबर देने वाला। अरे लेटे लेटे नहीं, खड़े होके बात करा, खड़ा होके। अरे क्या, फिर गिराएगा? देखो तू क्या पैदा कर दिए। हाँ, यहाँ अरे आज हम अरे नहीं, ये पीट रहा है, लेकिन क्यों? तुम्हारी शादी में वो नहीं था ना, की कोशिश करा तो ये तुम लोग क्या कर रहे हो? अरे हट जा भाभी, देखो हमारा भेजा घूम गया है, हमारे कलेजे में आग लग गई है। ये तुम हट जाओ भाभी, हम बोले दे रहे हैं, इसने हमसे पूछे बगैर शादी कैसे कर ली? मैं बताती हूँ भाभी, हमने आपकी बात नहीं सुननी, हमने इसकी जवानी सुननी है। ओ प्लीज, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। ठीक है भाभी, आप ही बोलो। ये तो शादी करने के लिए तैयार ही नहीं थे, कहते थे जब तक तुम नहीं आओगे शादी नहीं करेंगे। हाँ। लेकिन हमारी मजबूरी थी, मेरे पिताजी को कैंसर हो गया था, डॉक्टरों ने कहा था वो ज्यादा दिन नहीं बचेंगे, और पिताजी हमारी शादी अपनी आंखों से देखना चाहते थे। अगर तुम्हें खत लिखते तो शायद बहुत देर हो जाती। अब अगर तुम समझो। नहीं भाभी, हम सब बात समझ गए हैं, हम जट गंवार आदमी भाभी, हमारी समझ में नहीं आई बात, लेकिन अब हम सब समझ गए हैं। ये मेरा यार, अरे हमसे पहले नहीं कह सकते थे कि बात थी? कैसे बोलते, हमने मुंह खोला तुमने मारना शुरू कर दिया। मारना शुरू कर दिया, खा मखा ये हाथ हमको अपने यार पे उठाना पड़ा। अरे हमारा हाथ टूट कहे नहीं गया, ए भीषण कहे लागे तो नहीं? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हमका माफ कर दे भैया, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब पागल है क्या, दोस्त की मार कभी लगती है? ये हमारा छोटा मुन्ना कहाँ है, हमारा छोटा भीषण? वो देख, हाय हाय हाय, आ जा। अरे आ जा चाचा के पास, आ जा भाई। तो बात ही नहीं करता। तुम चाचा हो उसके, बात करवा लो उससे। हाँ हाँ, ये मुन्ना आ जा। देखो भैया, हम तो हर चाचा हैं, समझो? नहीं अच्छा, हाथ तो मिला सकते हो, चला सलाम कर दिया। ओ नहीं, चूहा देखे हो हमरे मुंह में? एक तो चूहिया चूहिया दिखाई। आजा मुन्ना आजा। कैसन लगा भैया, अच्छा रहा रहा? अरे तू रुक क्यों गया, चल चल मेरे साथ चल।
तू क्या डरता, मैं हूं ना। तू एक काम कर, यहाँ रुक, मैं भारत जी से मिलकर आता हूँ। भाई लागो माँ जी। अरे कैसे हैं आप? माँ जी नहीं है, पुतला है। चल पुतला है ये, मैं तो समझा था कि हाथ नहीं लगाना। चल नहीं बैठ जाओ। अरे बैठ जाओ, जगह खाली है, बैठ जाओ, बैठ। हे भैया, शहर में लड़की बहुत खूबसूरत होते हैं, हाँ? बहुत खतरनाक मशीन है। ए, ए, अरे देखो, दूसरे जवान लड़की घुस के गई, बुड्ढी होकर बाहर निकली, कैसी मशीन है भैया ये? देखो, शहर के अंदर ऐसे मशीन होता है। ए बिशन, दो मिनट बैठ, मैं आता हूँ। बैठो। अरे अभी जवान अंदर गया, बूटा होकर बाहर निकला तो। अरे अभी तो बूटा हो गया था, इसी दिन मैं तुमसे कह रहा था कि मशीन के अंदर नहीं जाने का। क्या क्या तुमसे कह रहा था? मशीन के अंदर नहीं जाएंगे। अरे अंदर का कलाकार चाहे छोड़ जाए, मर जाए, गल जाए, हम नहीं जाएंगे। हम नहीं जाएंगे जी। मैं देखता हूँ तू कैसे नहीं चलता। और ये आ गए 15 माला। हाँ। आ जाओ आवा। साहब, ऐसा तुम्हारा कितना दोस्त है? एक आज काफी है, मर गया। आप बिशन साहब हैं? नहीं नहीं, हम बिशन साहब नहीं है, हम तो किशन है, उनके दोस्त। वो तो पीछे आ रहे हैं अभी, वो हमको गांव से शहर लेकर आया है ताकि हमारे अंदर का कलाकार जो है वो बाहर निकले। वो नीचे की भयानक मशीन है ना, वो ये देखो आ गए। भारत जी अंदर है? जी हाँ, जी हाँ। चलिए चलिए, आप यहाँ रुकेंगे। हाँ। आप साहब का ध्यान रखेंगे। वो टेप रिकॉर्ड देना। हाँ दे दे। आप चुप रहेंगे प्लीज। हम तो कुछ बोल ही नहीं रहे। थैंक यू। हमने कुछ कहा? थैंक यू वेरी मच। क्यों भाई जॉनी, हमने कुछ कहा? हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि कितनी खूबसूरत जगह है, कितनी अच्छी जगह है। अरे गणपति महाराज, खूबसूरत पुतला है भाई। अरे फिर किधर गया मेरा बाप? ए, मैं अगर जान आ जाए तो खड़े खड़े शादी कर ले। बाप रे, ये तो जिंदा है। कौन है तुम? अरे, अरे चोर, चोर, अरे पकड़ो, अरे पकड़ो, यहाँ कोई चोर घुसा है। चोर? हाँ उधर देखो। ए, कौन हो तुम? मैं वो हम उसका। यहाँ क्या कर रहे हो? नहीं बताता वो, हम तुम चोर को जानते हो? वो नहीं नहीं वो ये मैं क्या कर रहे हो? बताते कि नहीं बताते? बोल, बता दे, पुलिस को बुला दे। वो क्या हमारा वो आदमी तो तुम गाना सीखने का तुम्हारा तरह आया तो हम उसको फ्लैट मेरा बटन हम उसको बोला इधर मेन साहब। हम तो गा नहीं रहे, हमारी आवाज कहाँ से आ रही? हमारा बाप गाता था। ये किसकी आवाज है डैडी? मेरे दोस्त किशन की। बेटी सिर्फ जबान में गड़बड़ है, वरना ये आवाज तो सारे मुल्क में तहलका मचा सकती है। इसीलिए तो मैं आपके पास मदद लेने के लिए आया हूँ भरत जी। अगर आप जरा सी मेहनत करें, ट्रेन करें, जरा सा रियाज करें और अगर रिकॉर्डिंग कंपनी के लिए एक रिकॉर्ड बना देना, मुझे पूरा यकीन है ये पॉप सिंगर बन सकता है। लेकिन आपके दोस्त है कहाँ? बिशन, अरे बिशन, अरे बिशन, हम तो गा नहीं रहे, हमारी आवाज कहाँ से आ रही है? तुम, मैं तुम्हें ज़रूरी। अरे अरे अरे, आप क्या कर रही हैं? यही तो मेरा दोस्त है किशन। लेकिन आपको नहीं मालूम इसने क्या बदतमीजी की है मेरे साथ? बदतमीजी? हम बताता है, वो नीचे डाउन देर वो एक बुड्ढी का स्टैचू है ना, ये उसका पांव को हाथ लगाया। हम बोला वो बुड्ढी नहीं है, स्टैचू है। इधर आया तो ये ऐसा ऐसा लगा के बैठा होता, समझा ये भी स्टैचू है। मालूम क्या बोला? बोला इसके अंदर जान पड़ जाएगा ना तो अपन इसका शादी कर लेगा। आओ तुम अपनी बेटी से मिलाओ। कोमल,
ये है। इधर देखो, अब्दुल गोपाल फर्नांडिस, इन्हें बाथरूम में ले जाकर सोडे से घिस घिस कर नहलाओ। और नहीं। ये क्या हो रहा है अंदर? तो अंदर से अजीब अजीब तरह की आवाजें आ रही हैं। देखो, ये क्या हालत बना रखी है तुम लोगों ने? मैम साहब, हम उसको नहलाने लगे थे, उसने हमको नहला दिया। ये क्या क्या तुमने? तो ही कौन होते हमको नहलाने वाले? हम खुद नहीं नहा सकते क्या? हमारे गांव में तो गाय भैंस खुद ही पानी में कूद के नहा लेते हैं। अब तुम मुझे सिर्फ इतना बता दो कि तुम नहाओगे कि नहीं। बोलो। नहाएंगे? जरूर नहाएंगे। हम तो दिन में दो वक्त नहाते हैं, कभी कभी तीन वक्त नहाते हैं भाई। गर्मी में चार वक्त नहाते हैं, सर्दी में तीन वक्त नहाते हैं, बरसात में 3.5 वक्त नहाते हैं। मुझे ये बकवास नहीं चाहिए। जाओ जाके नहा के आओ। जाओ। अच्छे लग रहे हो। है ना? अरे ये तो कुछ भी नहीं है मैम साहब, हमें जरा एक बार और खींच के नहा दीजिए, फिर देखिए हमारा शरीर एकदम सोने की तरह चमकने लगेगा। अब क्या है? बस मास्टर जी, आप जरा इन्हें पढ़ना लिखना सिखाइए। पढ़ना आवत है, लिखने में थोड़ा गड़बड़ है। अच्छा। क्योंकि हमारा हाथ पिराटिस में नहीं है ना। पिराटिस? मास्टर जी, आप जरा इनकी जबान सुधारिए, इनका तलफुज बहुत ही खराब है। क्या बात करती है मैम साहब, हमारा तलफुज तो गांव में सबसे बढ़िया है। जिंदगी सोज बने ताज ना होने पाए ताजे दिल, जब भी बने आवाज ना होने पाए। तौबा, क्या कर रहे हो तुम? क्या ऐसे नहीं ऐसे? जिंदगी सोज बने साज ना होने पाए और साज दिल जब भी बजे आवाज न होने पाए। बराबर बराबर नहीं, तुम पढ़ो। जिंदगी सोज बने, जिंदगी नहीं जिंदगी। हाँ वही तो कहते हैं। जिंदगी सोज बने, जिंदगी नहीं जिंदगी। जिंदगी सोज बने जिंदगी। जिंदगी सोच बने, जब भी तुम्हारी जबान से सही नहीं निकलता। अरे कैसे नहीं निकलता जी, कमाल करते हैं आप। हमारे मुंह से जो निकलता है वो आपके मुंह से निकल सकेगा? चलिए बोलिए, हमारे पीछे कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़। हाँ जल्दी जल्दी बोलिए, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़। ऐसा नहीं मास्टर जी, तनिक आंख बंद करके ध्यान और मन लगा करके बोलिए। हाँ बोलिए, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ कच्चा पापड़, कच्चा पापड़, कच्चा पापड़, कच्चा पापड़। ये क्या कर रहे हो? कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़, कच्चा पापड़, कच्चा पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पचड़, कच्चा पकड़ पक्का पचड़। सॉरी मैम साहब, कच्चा पच्चा पक्का कच्चा पापड़ पक्का पापड़ कच्चा कच्चा पापड़, कच्चा पकड़ पक्का पकड़, कच्चा पकड़ पक्का पकड़, कच्चा पकड़ पक्का पकड़, कच्चा पकड़ पक्का पकड़, कच्चा पकड़ पक्का पकड़। मास्टर जी, इस बिल्डिंग के लोगों को जैसे बीमारी सी लग गई है, जिसे देखो कच्चा पापड़ पक्का पापड़ बोल रहा है। क्या बताऊं बेटी, मैं इसे पढ़ा रहा था, इसने कहा मास्टर जी जरा कच्चा पापड़ पक्का पापड़ बोलते, देखा देखी उतरे शुरू हो गए। दूसरों की देखा देखी सारा शहर शुरू हो जाएगा। मैंने तुम यहाँ पढ़ने आए हो या पढ़ाने आए हो? हाँ नहीं नहीं, पढ़ाने नहीं आया हूँ मैं तो, इन्हें जबान साफ करने का एक आसान तरीका सिखा रहा हूँ। ये मैं आपको गा के दिखाता हूँ, आप देखिए। सड़क पटिकता पटिक सड़कता गाँव, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़। जंद जिंदगी सोज ब, क्यों मास्टर जी ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है बेटे, अब जरा यहां से पढ़ो। जिंदगी सोज बने ताज ना होने पाए। Crazy people. कच्चा पापड़ पक्का चाचड़,
कच्चा पापड़ पक्का चाचर। कच्चा नहीं नहीं नहीं, कच्चा पापड़ पक्का पापड़। यू गेट आउट फ्रॉम हियर। बंदर होता ना कैसे चलता है? चाचा तुम मुझे छोड़ गए तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे भी अच्छा नहीं लगता भैया, लेकिन का करें? कुछ करो ना। हाँ ठीक है, हम भी जाके कुछ ऐसा करते हैं कि वो लोग हमको निकाल ही दें। यहाँ खड़ा था ना, उसने किसी को फिर उसके ऊपर एक फिर उसके ऊपर दूसरा गिरा। I say shut up, where is Kishan? I want Kishan. जाओ Kishan के लाओ, Kishan from here everybody. Kishan को खड़ा कर, मेरा मुंह क्या देख रहा है? Kishan नहीं आए तो मैं तुम सबको निकाल दूंगी। Kishan